हेलो 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 भोले गणेश जी महाराज की, भोले रानी सती दादी की, भोले अखंड ज्योति की, भोले साची दरबार एक बार ज्यादा कुछ नहीं, केवल आधे घंटे के लिए, बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए और अपने आप को ये समझिए कि आज दादी जी केवल और केवल आपके इस रानीगंज के भाग्य को सराहने के लिए और आपको आशीर्वाद देने के लिए आई है। इस भावना के साथ एक बार दोनों हाथ उठाकर इनके चरणों में समर्पित होकर एक साथ जयकार लगाएं। बोले रानी सती दादी की, बोले अखंड ज्योत की। भैया थोड़ा सा रिवर्ब बढ़ाओ ना। देखिए 35 दिनों में हम जितने दादी के भक्त थे, दादी के सेवक, उन सबने केवल एक ही चीज सीखी है कि इनकी शरण में आ जाओ, दुनिया में कहीं दौड़ने की दरकार नहीं पड़ेगी। के झुंझट वाली दादी थारे शरण में आ गयो, दादी थारो रूप मारे नैना में समा गयो। अरे मत बिसराए दादी हार मानी, बोलो बोलो मत अरे आकड़ ले चुरा कर, के आकड़ ले चुरा कर। आज दादी आप चुराने नहीं, आशीर्वाद देने आई है। अब बताओ कौन कौन मावड़ी से आशीर्वाद ले से। हाथ उठाइए मत, लेकिन तालियां बजाइए केवल दादी के नाम की। एक साथ, एक दो तीन चार। चूरा कर दादी जासी गढ़ मेरे से, ओ सुन मेरी बात, मेरी बात जानी कोनी तेरे से, सुन मेरी बात, मेरी बात जानी कोनी तेरे से, आखड़ी चूरा कर दादी जासी गढ़ मेरे से, आखड़ी चूरा कर दादी जासी गढ़ मेरे से, दादी थारी हर आए काफी हार मानी तेरे से, ऐसी तालियां जो 35 दिनों में किसी स्थान पर देखने न मिली, ऐसी तालियां जिनमें पूरा भाव हो, ऐसी तालियां जिनमें पूरी भक्ति हो दादी के नाम की। एक साथ जोरदार प्रेम से बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, मोती से खानी हो जाती, फिर कुठली आनी हो जाती, जगमगानी हो जाती, जगमगानी हो जाती, अमर सुहागन हो जाती, कैयावरानी हो जाती, सब दर्शन कर लो,
देखिए मुझे भजन गाते हुए लगभग 19 साल हो गए और ये लाइन जो है ना, पत्ते दिखलाते मैया काट दे अंधेरे से, इन 19 सालों में मैं अंधेरे में चल रहा था। क्या चीज में? अंधेरे में। हेलो हेलो, केवल दुनिया के जंजाल में फंसा हुआ था, हर जगह घूमता था, किसके लिए? कि भजन गाऊंगा, पैसे लूंगा और चलेगा। लेकिन इस सेवा को करने में, इस सेवा को करने में मुझे जो आनंद मिला है, क्योंकि सेवा में कुछ धन अर्जन की बात को नहीं, केवल आशीर्वाद लेने की बात। आगे जिंदगी चाल सी, बिना रोटी खाया चाले को नहीं कोई कभी, लेकिन सेवा करने को मौका 40 दिन को ये जो मिले है ना, इसे बढ़कर सेवा को नहीं। और मैं रानी सती फाउंडेशन के साथ आज इस बात का ऐलान करता हूँ कि जब जब दादी जी की जोत निकलेगी, ये संजय शर्मा वहाँ पर साथ में आपके चलेगा, चाहे कोई आए हो रानी सती दादी की। क्योंकि मैंने इस 40 दिन में केवल एक ही चीज सीखी है कि दादी जी ने लेकर चालो, अरे जी की मारी माता बिना घर में बैठी है, बने कम से कम दादी जी के झुझनू को रस्तो तो दिखाओ, बने कम से कम बताओ तो सही या मावड़ी है, एक बार इनके दरबार में आकर नमस्कार करो, अरे जिंदगी भर सुधार देगी, सात जन्म थारा कल्याण कर देगी, हर जन्म में थाने दादी को आशीर्वाद मिलेगा। एक बार तालियां बजा के सारे एक साथ बोलो, आवाज गूंजनी चाहिए चारों तरफ, जोर से बोलो, मिलकर बोलो, दादी की जय, 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 इच्छा तो रखो, एक बार मन में विचार तो करो कि दादी एक बार साल में जरूर जावांगा, आगे तो बुलावे नहीं बुलावे थारी मर्जी, लेकिन एक बार जरूर जाऊंगा। किसके मन में इच्छा है? जिसके मन में इच्छा है एक बार दोनों हाथ उठाकर, एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए एक साथ मिलके, दादी जी को I'm gonna go get some.
सब जाते हैं ना, तो एक बार सारे लोग हाथ उठाइए, बिल्कुल सीधे उठाइए, बिल्कुल सीधे। हाँ, देख तो लूं कितने जन जाते हैं, सारे लोग जाते हैं। अब हाथ नीचे कर लो। हमारी माताएं बहनें इस पूरे दिव्य ज्योति यात्रा में मैंने देखा कि सबसे ज्यादा अगर कोई उत्साहित थे तो वो हमारी माताएं बहनें थी। बहुत ज्यादा उत्साह था, इतना उत्साह कि सात सात आठ आठ किलोमीटर पैदल, वो भी कड़ी धूप में चलती जा रही है हाथ में ध्वजा लेकर के, ऐसा उत्साह पुरुषों में नहीं है। एक बार माताएं बहनों के लिए मैं नमन करता हूं, आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लें। अब जाते जाते चलते चलते बहुत सारी बातें हुई, तो मैंने एक दीदी से पूछा कि भाई झुंझुनू के सोच कर जाओ। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, भाया मैं तो झुंझुनू ही के लिए जावा, क्योंकि माने लगे कि मैं मेरी माँ के घर जा रहा हूँ। मुझे अच्छा इसी बात है, बोले ठीक ठीक। तो मैंने उनकी बातें सुनकर ये भजन बनाया, आइए सब मिलकर गाते हैं एक साथ। बी फ्लैट। हो के इब्तो ताज में भालो यो मन नाना इब्तो। संजय भैया, नहीं मुझे पता है, सुनो ये अभी इस लाइन में धीरे गाएंगे, लेकिन जो दूसरी वाली लाइन सुनेंगे ना तो बड़ी जोर से गाएंगे। इब्तो कामकाज में भागो यो मन नाके, इब्तो हो दादाई री हरी ऐसो थारो झुंझुनू दा, ओ दादी आवाज भटकी क्यों नहीं बढ़ी। हाँ सचमुच ये तो बड़े खुशी की बात है, अगर माताओं बहनों को ये लगे कि मैं झुंझुनू धाम जा रही हूँ अपने प्रिय
पियर जा रहे हो उससे बढ़कर आनंद कहीं नहीं आई है। जुजनो धाम दादी की बेटियों को क्यों पियर लगता है, लेकिन पहले एक बार सारे मिलकर साथ में गाएं, आनंद के साथ गाएं और इस माँ को माँ की तरह सोचकर अपने जुजनो धाम को पियर की तरह सोचकर मनाएं। एक साथ तालियां बजा के 1 2 3 4 सौभाग्य तो केवल माताओं बहनों को मिलता है और वो भी झुंझुनू धाम से सर पे है। आवाज आनी चाहिए सारे संसार को मालूम चलना चाहिए आपका पीहर झुंझुनू धाम में। एक साथ के जगले जगले झुंझुनू धाम में माने दादी जी को आचल मारी माँ सोला के माने दादी हीरो आचल मारी माँ सोला वो दादी भी हरिये सोतारो नाम लागे वो दादी भी संजय भैया लागा मैंने गाना ही पड़ी हाँ तो ये गाओ ये भजन जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ मुझे गाने की दरकार नहीं पड़ी है, क्योंकि हमारी भाभियों ने हमारी चाचियों ने हमारी बहनों ने इतनी जोर से गाया कि मुझे कहीं नहीं गाना पड़ा। लेकिन मेरे को लग रहा है आपको साथ नहीं मिलेगा। ना ना बहुत कमजोर बात है, ये थोड़ी बड़ी जगह है, यह आवाज थोड़ी फैल जा रही है, इसलिए थोड़ा जोर से गाना। नहीं नहीं बड़ी जगह है वो लोग खाली आगे वाले दो चार जन गा रहे हैं, पीछे वाला खाली खाली हिला रहे हैं। ऐसा एक बार सारे सारे मिलकर गाओ भैया एक बार रोकना। इब तो काम काज में मारो यो मन ना लागे इब तो ओ दादी दी हरी ऐसो थारो झुंझुनो ओ दादी दी झुंझुनो ताम लागे। याद हो गई ना आपको बातें, इसके बाद पियर जाने से क्या होता है बताते हूँ, लेकिन पहले एक बार तालियां बजा के बोलिए ये दादी दी हरी ऐसो थारो झुंझुनो ताम लागे ओ दादी दी हरी ऐसो थारो झुंझुनो ताम लागे ओ दादी दी हरी ऐसो थारो झुंझुनो ताम लागे जोश में।
सजाओ हटके करो सगली चिंता भूल जाओ आराम करो कि नहीं करो हाँ और झुंझुनू जाओ ना तो भी आराम ही करो मन करे जब सेवा करो नहीं तो कमरे में जाके आराम करो ऐसे की हवा खाओ हाँ मन नहीं नाश्ता पानी भी मिलता है आराम भी मिलता है सब मिलता है तुम्हारे हाथ पाठ में कोई कमी ना लागे 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 ओ दादी पी हरी है सो थारो झुझड़ो मानते कि नहीं आपका पियर है झुंझुनू में मानते हैं तो एक बार अपने पियर की बढ़ाई करेंगे कैसे करेंगे जोर से बोलिएगा एक साथ प्रेम से बोलो चरण छूना उनसे आशीर्वाद लेना और दूसरों काम शास्त्र की सगली बात बतानी सब राजी हो गया सब राजी हो गया दूसरा काम ससुराल की सारी बातें बताना तो दादी जी के पास मन की बात बताओगे ससुराल की बात सब बताओगे एक बार बताओ क्या बताना जो बताओ क्या बताना है आपको अपने मन के जितने दिखते हैं सब बोल दो लेकिन आंख बंद करके एक बार तालियां बजा के बोलो एक साथ ठीक है मैं माते दादी पी हरिए
साजना